बैक टू द चैनल। आज हमारा ट्रिप का आखिरी दिन है और आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए बेहतरीन ब्लॉग में। सो गाइस हम निकल रहे हैं, पैकिंग कर ली है, सामान सारा रख लिया है, बस अब निकलेंगे। बाय ब्राउनी, बाय बाय ब्राउनी, बाय। सर वी आर लीविंग। गाइस लास्ट लुक ऑफ द प्रॉपर्टी बाहर से, ये देख सकते हैं आप। देखिए लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं इतने ऊपर से। वो देखो पहाड़ के पीछे से आया, वो देखो और आया, ग्रुप है पूरा। आ जाएगा कहीं जाना भाई। सो गाइस हम लोग निकल लिए हैं और मैडम गुड मॉर्निंग गाइस, मेरी तो गुड मॉर्निंग होगी, मैडम की गुड मॉर्निंग ले लो। फिर कैसा है शेक? द शेक इज वेरी नाइस। ओके यू लाइक इट? लोग रास्ते के लिए बनाना शेक लेके चल रहे हैं गाइस। यस चलो गाइस देखते रहो। देखो ये हवा आजी हुआ। Here comes the tunnel. ये एक दूसरी वाली है, not the tunnel. ओए होए होए। Guys ये देख रहे हो व्यू, लेफ्ट साइड में पूरा रिवर और राइट साइड में आपके टिटली से पहाड़ with less vegetation. देख लो guys, ये देखो पानी, ये देखो। और ये हम खा रहे हैं कितना गजब का व्यू है। ये आप देख सकते हैं ट्रैफिक जैम, लंबा जाम, और उसके वजह से हम ले रहे हैं आनंद। एसी चला के बैठे हैं और मैडम कर रही है, ये मैडम का आराम चल रहा है और साथ में फोन चल रहा है। हम लोग मंडी पहुंच गए हैं और गर्मी का बुरा हाल है और ट्रैफिक का बुरा हाल है। ये कोई स्टेडियम है शायद मंडी का, पुल था सकता है वो मंडी का कुछ, या तो कुछ होते होंगे यहाँ कॉन्सर्ट्स टाइप, नॉट कॉन्सर्ट्स, क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिशन्स। दिस इज मंडी, ये मंडी का पाइप बस स्टैंड आ गया है। अब मंडी तो बस स्टैंड आया ही, अरे तू ये मंडी में घूमने आ रहा है? बैक एट सुकेत कैफे। हम सुकेत कैफे पे वापस से आ गए हैं, रास्ते में वापस जा रहे थे तो रास्ते में रुके हैं। दिस इज द व्यू, दिस इज द रोड। हे गाइस, हाय तो हो चुकी है वैसे। सुकेत कैफे हो गया गाइस डन हमारा, हम वहाँ से निकल चुके हैं लंच करके और अब हम अपनी वापस जर्नी के लिए चल पड़े हैं। बाकी आपको मैडम बताएगी। सो गाइस वी डन विद द लंच, दिस इज वी टॉकिंग अबाउट सुकेत कैफे जो सुंदरनगर से पहले है अगर हम लोग दिल्ली से आते हैं, एंड इफ यू आर कमिंग फ्रॉम मनाली सो दिस इज आफ्टर सुंदरनगर। सो सुकेत कैफे, दिस इज अ वेरी नाइस कैफे, दिस इज अ वेरी नाइस एम्बियंस एज वेल एज द फूड इज वेरी डिलीशियस। तो आप लोग भी जब भी आए डोंट फॉरगेट टू ट्राई द कैफे एंड डोंट मिस टू ट्राई आउट द मफिन्स, दे एक्सट्रीमली गुड।
बाकी रिव्यूज आप लोग अपने दीजिए, जब ट्राई करेंगे। बाकी कमेंट करके बताओ कौन कौन सुकेत कैफे गया हुआ है या कौन जाना चाहता है। और गाइस गूगल पे देखोगे तो दो तीन दिखाएगा सुकेत कैफे, तो ये बिल्कुल मेन रोड पे है, हाईवे के ऊपर, नेशनल हाईवे वाला जो दिखाएगा वही वाला है सुकेत कैफे, तो वही जाना है आपको। अगर आप मनाली से आ रहे हो तो सुंदरनगर के बाद आएगा, अगर आप मनाली जा रहे हो तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे पहले आएगा सुंदरनगर से। तो गाइस जुड़े रहिए, आगे की जर्नी आपको दिखाते हैं। अगला स्टॉप हमने ऐड कर लिया है विच इज अराउंड 3 आवर्स समथिंग समथिंग, सो जहाँ रुकते हैं फिर आपको दिखाते हैं, या फिर कुछ रास्ते में अगर दिखाने लायक है तो वो भी दिखाएंगे आपको। ये पहाड़ देवता को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज खत्म हो जाओ, खत्म ही नहीं हो रहे, खत्म ही नहीं हो रहे, खत्म ही नहीं हो रहे, मुझे समझ नहीं आ रही। इतने आते वक्त नहीं थे इतने पहाड़, पता नहीं जाते वक्त क्यों इतना लंबा रास्ता लग रहा है। वैसे कहते हैं ना कि भाई रास्ता लंबा लगता है जब वापसी जा रहे होते हैं, बट ऐसे कोई थकान नहीं है, बट पता नहीं क्यों ये ऐसे रास्ता ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे खत्म ही नहीं होने को राजी हो रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है, ये मसला ही नहीं समझ आ रहा। देखो गाइस अब लग रहा है कि भाई शायद हम नीचे आ गए हैं, फाइनली देवता ने हमारी बात सुन ली है। बाकी दिखाते हैं आपको, पहाड़ खत्म, थैंक यू। रास्ता आ रहा है और हम यही जा रहे हैं, अब कट देखना पड़ेगा इसके आगे है या आगे से लाना पड़ेगा, आगे से लाना पड़ेगा। ये रहा रास्ता, मजाक कर रहा हूँ, आगे देखते हैं, क्योंकि एक्चुअली बहुत ज्यादा हो रहा था कि 10-12 मिनट जाते फिर आते, घुमा के भी ना मिलता तो दिक्कत हो जाती, इसलिए हमने उसको ड्रॉप कर दिया बरिस्ता को, आगे देखते हैं कुछ आता तो। हमने एक शॉर्ट ब्रेक ले लिया था, देसी सी कॉफ़ी मैंने कॉफ़ी बना दी थी और दूध उनसे ले लिया था। अब सामने मून निकल आया है और अंधेरा हो रहा है, सो चलो अब आगे चल के मिलते हैं आपको डेस्टिनेशन पे। रास्ते में तो अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं, सो अगले डेस्टिनेशन पे मिलते हैं आपको। ये डेस्टिनेशन इसलिए दिखाया है, ऐसे सा ही था, शेडी सा था, थोड़ा नॉर्मल सा था। वी आर एट अम्बाला, मतलब और 5-7 मिनट में पहुंच जाएंगे अम्बाला। शीशा गंदा हो रखा है, मैं समझ सकता हूँ। जग्गी सिटी सेंटर अम्बाला और हम लव पंजाब जा रहे हैं, लव पंजाब ढाबा। पंजाब ढाबा ही देखो, सेंटोसा की तरह बना रखा है इन्होंने यहाँ पर, किसने बनाया ये पता नहीं। गाइस हम लोग अंदर घुसे, खाली था इसलिए हम यहाँ नहीं जा रहे, हम चावलास पे जा रहे हैं दोबारा से, जो हमने ट्राइड एंड टेस्टेड है। हम कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, दिस इज द रारा चिकन चावलास का, और ये ग्रीन सैलेड हमारा आ गया है, उधर हमारा नान एंड रोटी आ गई है। जग्गी सिटी सेंटर से खाना खा के निकल चुके हैं, उस टाइम व्लॉग बनाने का मन नहीं था बिल्कुल, भूख लगी थी और फटाफट खा के निकलना था, और हमने फटाफट 15 मिनट्स में ही खा के ऑर्डर की वेट करी और खाया और फटाफट निकल लिए। सो गाइज अब है 10:48 और हमारा डिस्टेंस बचा है, ये देख सकते हैं आप, दिस इज द ETA 152, 3 hours 3 minutes। चलो गाइज चलते हैं। सो गाइज यहाँ सीरीज को ख़त्म करते हैं, सीरीज को आई होप आप लोग सब लोगों को ये सीरीज पसंद आई होगी, और हमारी जर्नी बस ख़त्म होने ही वाली है, हम घर बस पहुँचने ही वाले हैं। आपने जो प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। आपको अगर ये सीरीज़ पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो जाके बेल आइकन दबा दीजिए। बाकी जो भी आप लोगों ने सीरीज़ को प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यू तो रेगुलरली कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल, तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
और आप लोग ही हमारी इंस्पिरेशन हो, इसी की वजह से ही हम लोग आगे शूट करने के लिए और इस चीज़ के लिए ऐसा बना ब्लॉग बनाने के लिए आप लोगों के लिए तैयार रहते हैं। सो गाइज आप लाइक करो और सीरीज़ को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गुड नाइट आप सभी को। और हम बस घर पहुंच जाएंगे अभी थोड़ी देर में, उसके बाद जाके सोएंगे सीधा। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। सो गाइस फाइनली हम अपने शहर पहुंच चुके हैं, अपना फेवरेट पेट्रोल पंप आ चुका है और यहीं से हमने ट्रिप शुरू किया था। अब अपने टोटल ट्रिप रहा 1246.6 किलोमीटर और गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। थोड़ा सा एक मुझे आवाज़ का इशू लग रहा है, वो कोई बात नहीं, कल चेक करा लेंगे। और बाकी तो गाड़ी ने अच्छा परफॉर्म किया, हर जगह सिसु तक भी हम होके आए और अच्छा परफॉर्म किया, ट्रिप में भी मज़ा आया। और बाकी आपने सब सीरीज़ में सब कुछ देख ही लिया होगा और जिसने नहीं देखा वो प्रीवियस वीडियोज़ में जाके देख सकता है। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। अब हम जाके सोते हैं, यहाँ से घर अराउंड 4.5 किलोमीटर्स रह गया है। सो कोई बात नहीं गाइस, चलो अब रेस्ट करते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।